इस वीडियो में हम जानेंगे कस्टमर लेजर तैयार करना एक्सेल के अंदर। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये शीट कैसे वर्क करेगी। यहाँ पर हमने एक कस्टमर समरी की शीट क्रिएट की है जिसके अंदर हमारा डाटा है हमारे कस्टमर का। यहाँ पर उनका नाम शो हो रहा है, उनका बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, वो अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है वो यहाँ पर शो होगा। बाकी अगर हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उस लेजर के ऊपर पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर उस लेजर को डिटेल में देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई न्यू पार्टी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड करेंगे। सीरियल नंबर ऐड करते ही टेबल की फॉर्मेटिंग अपने आप हो जाएगी। जैसे हमको यहाँ पर इनका लेजर देखना है डिटेल में तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम उस लेजर के ऊपर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे पार्टी का नाम है, डेबिट अमाउंट का टोटल यहाँ पे शो होगा, क्रेडिट अमाउंट का टोटल यहाँ पर शो होगा, जो भी हमारा बैलेंस बचेगा वो यहाँ पर शो होगा, अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है वो यहाँ पर दिखेगा। जैसे जैसे बैलेंस यहाँ पर अपडेट होगा वो बैलेंस समरी वाली शीट पर भी अपडेट होता जाएगा। वापस से हमको अगर समरी शीट के ऊपर जाना है तो यहाँ पर हमने एक बटन क्रिएट किया है। जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हम समरी वाली शीट के ऊपर पहुँच जाएंगे। बात करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम बनाएंगे समरी पेज को, हेडिंग दे देते हैं कस्टमर समरी। यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट और डिटेल्स। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, साइज को इंक्रीज कर देंगे। और इसे कलर को चेंज कर देते हैं। टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस टी। यहां पर ये ऑप्शन माय टेबल हैज हेडर्स, ये ऑप्शन टिक रहेगा, ओके के ऊपर प्रेस करेंगे। यहां से आप इस टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, मैं यहां पर इसको क्लियर कर रहा हूं। इन फिल्टर की हमको ज़रूरत नहीं है तो इनको हम हटा देंगे। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, जो फिल्टर होंगे वो हट जाएंगे। कस्टमर समरी का फॉर्मेट हमारा तैयार हो चुका है। अब कस्टमर्स के लिए अलग अलग लेजर तैयार करेंगे। जैसे हमारे पहले कस्टमर हैं श्री एंटरप्राइजेस, यहाँ से शीट को ऐड करते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं श्री एंटरप्राइजेस से। ऊपर से दो रो को छोड़ते हुए हम लिखना स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस और डेबिट या क्रेडिट। अब डेबिट वाले कॉलम के अंदर हम लिख देंगे डेबिट अमाउंट, क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर हम लिख देंगे क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस और फाइनल डेबिट या क्रेडिट। इसको मर्ज कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे नेम, इनको भी मर्ज कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे अपने कस्टमर का नाम। इनको सेलेक्ट करेंगे और इनकी अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे और इनका कलर चेंज कर देते हैं। अब इन रेंज को टेबल फॉर्मेट के अंदर चेंज कर देते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे, माय टेबल हैज हेडर्स, ये ऑप्शन टिक रहेगा, ओके के ऊपर प्रेस करेंगे। यहां से हम टेबल स्टाइल को क्लियर कर देते हैं। इन फिल्टर की जरूरत हमको नहीं है तो इनको भी हम हटा देते हैं। यहां पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ये फिल्टर हट जाएंगे।
अब यहाँ पर हमको डेबिट अमाउंट का टोटल चाहिए और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट का टोटल चाहिए। यहाँ पर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे इज इक्वल सम और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी फॉर्मूला पुट कर देंगे इज इक्वल सम और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर हमको चाहिए कि क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से ये हमको डेबिट या क्रेडिट भी दिखाए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे इज इक्वल इफ ब्रैकेट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे कि अगर इस सेल के अंदर अमाउंट अगर जीरो से कम है तो ये हमको शो करे क्रेडिट और अगर जीरो से ज़्यादा है तो ये हमको शो करे डेबिट। सेल को सिलेक्ट करेंगे लेस देन का साइन, जीरो कोमा कोटेशन मार्क ओपन, क्रेडिट कोटेशन मार्क क्लोज, कोमा लगाएंगे, वापस से कोटेशन मार्क ओपन करेंगे, डेबिट कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जैसा भी होगा डेबिट या क्रेडिट ये हमको शो करेगा। इस फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सीरियल नंबर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कर देंगे। एंट्री कैसे पास करेंगे वो जानते हैं। हो सकता है कि आपके पास किसी पार्टी का ओपनिंग बैलेंस हो और हो सकता है किसी पार्टी का ना हो। अगर आपके पास किसी पार्टी का ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में डाल देंगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में डाल देंगे। उसके बाद बैलेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। बैलेंस के पहले सेल के अंदर हम फॉर्मूला पुट करेंगे डेबिट माइनस क्रेडिट। उसके नेक्स्ट सेल के अंदर हम फॉर्मूला पुट करेंगे दिस बैलेंस प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। इससे होगा क्या, जो भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस है या कोई भी आप एंट्री पास करते हैं, बैलेंस आप या तो डेबिट साइड डालेंगे या क्रेडिट साइड डालेंगे। अगर बैलेंस डेबिट साइड आता है तो यहाँ पे बैलेंस नॉर्मल ऐसा दिखेगा और यहाँ पे डेबिट रहेगा। वहीं अमाउंट अगर क्रेडिट साइड शो होता है तो यहाँ पर बैलेंस नेगेटिव में शो होगा और यहाँ पर ये इसको क्रेडिट दिखाएगा। अब यहाँ पर हम एक शेप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, शेप्स जो भी शेप आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। पहले मैं इस वाली शीट का नाम चेंज कर देता हूँ। अब शेप के ऊपर आएंगे, शेप के ऊपर अगर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है लिंक का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर समरी वाली शीट को सिलेक्ट करके ओके के ऊपर प्रेस करेंगे। अब जब हम इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम समरी वाली शीट के ऊपर पहुँच जाएंगे। ये हमने बना दिया अपने एक कस्टमर का लेजर। ऐसे ही हम अपने दूसरे कस्टमर का लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे दूसरे कस्टमर हैं टारगस ट्रेडर्स, इनका लेजर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, मूव टू एंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट अ कॉपी, इस ऑप्शन के आगे टिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। इस शीट की एक कॉपी तैयार हो जाएगी। यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पर भी इसको चेंज कर देते हैं। और अगर कोई भी एंट्री हमने यहाँ पर करी होगी तो वो हम हटा के चेंज कर देंगे। ऐसे हम अपने सारे लेजर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर ये बात हो गई लेजर क्रिएशन की। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमको सारे कस्टमर का जो भी बैलेंस हो वो यहाँ पर शो हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे चलिए जानते हैं।
जैसे यहाँ पर हमको श्री एंटरप्राइजेस का बैलेंस चाहिए, यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे इज इक्वल, उसके बाद श्री एंटरप्राइजेस के लेजर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सेम ऐसे ही इनके लिए भी करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आ चुके हैं। अब हमको चाहिए कि ये यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट शो करे, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल इफ ब्रैकेट, अगर इस सेल के अंदर अमाउंट जीरो से कम है तो ये हमको क्रेडिट शो करे, नहीं तो डेबिट शो करे। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब हम इस वाली शीट को भी हाइपरलिंक कर देंगे कि हम यहाँ पर क्लिक करें तो हम उस लेजर के ऊपर पहुँच जाएं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर फॉर लेजर। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जिस भी कस्टमर का आप अकाउंट लिंक करेंगे उसका नाम आपको यहाँ पर दिखेगा, उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐसे हम सबको लिंक कर देंगे। लिंक करने के बाद जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम उस लेजर के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ऐसे हम अपने कस्टमर का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।